स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबू क्लासेस। तो वेबू क्लासेस में जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश के टॉपिक में कंडीशनल सेंटेंस कर रहे थे, ठीक है, जिसका मैं पार्ट वन आपको अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम पार्ट टू करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का ही। और पार्ट वन में मैंने आपको लास्ट में कुछ सेंटेंसेस दिए थे एरर्स की फॉर्म में कि आपको एरर्स फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो गाइस, ये हैं उन सेंटेंसेस के फाइंड एरर्स के आंसर्स, जिसे आप अपने स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट। फ्रेंड्स, आज के रूल्स शुरू करने से पहले, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस की जो मैं आपको रूल्स करवाने जा रही हूँ, उससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच फर्स्ट वीडियो ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आप वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो ये भी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो वो आपके कंडीशनल सेंटेंस अधूरे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रूल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। गिनती के इसमें 9 या 10 रूल्स ही हैं, जिसे आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। 5 रूल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए थे पार्ट वन में, ठीक है। आप जो है प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो इंग्लिश की कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट वन, ठीक है। आज ये पार्ट टू है, ओके। तो आज का हम रूल नंबर 6 शुरू करते हैं। 1 से लेके 5 तक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ रूल्स, ठीक है। तो रूल नंबर 6 है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल कैन मे, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है ये विल शैल कैन में मोडाल होते हैं, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो जब आप मोडाल करेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। तो विल शैल कैन मे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि एक मोडाल भी है ये, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ के बाद आपको पता है कभी विल शैल नहीं आता, ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी वन प्लस एस आई एस, या तो वी वन आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस आई एस आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो खाली वी वन आएगा, ठीक है, और प्लस सब्जेक्ट। ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, सिंपल सा है कि अगर इफ के बाद, आप यहां से देखो, अगर इफ के बाद वी वन एस या फिर वी वन एस या ई एस है, मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है तो पहले भी, ठीक है, तो ये दो पार्ट आप मान सकते हो सेंटेंस के, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट है और एक इफ के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो दो है, अगर इफ के बाद वी वन है या वी वन के बाद एस एस है, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद हमेशा विल शैल कैन, विल शैल कैन मे आएगा, ठीक है। हमारा गुड कुड वगैरह, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी हमारी, ठीक है, जैसे विल शैल कैन मे और वी वन ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये जो होता है वो जो है इरिवर्सिबल भी होता है, ठीक है, सॉरी रिवर्सिबल भी होता है। तो ये जो है इफ आपको पहले भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट से ही होगी, ठीक है, इफ से भी स्टार्टिंग हो सकती है, जैसे मेरे एग्जांपल्स में आपको क्लियर करूंगी, ओके। तो जैसे फाइंड द एरर्स की फॉर्म में हम बात कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, तो कैसे आते हैं, जहाँ तक फाइंड द एरर्स की फॉर्म में आते हैं या इम्प्रूव द स्टेटमेंट, ऐसे आ जाता है, ठीक है, इम्प्रूव द सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी मे गेट गुड मार्क्स। अब आपने देखा शी के बाद मे आया हुआ है, तो मे जब आता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, हमेशा वी वन आएगी या वी वन एस आई एस आएगा, वो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस आई एस लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो खाली वी वन रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, शी मे गेट गुड मार्क्स इफ, तो इफ के बाद यू गाइडेड हर, तो अगर हम इसको ए माने, ठीक है, और इसको बी माने और इसको सी माने, तो हमारे सेंटेंस के सी पार्ट में गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर गाइडेड नहीं आएगा, हमारा रॉन्ग है, यहाँ पे गाइड आएगा, ठीक है। इफ यू गाइड हर, अगर तुम उसे गाइड करोगे, मार्गदर्शन अगर आप उसका करोगे तो अच्छे नंबर ला सकती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, तो इसमें सी पार्ट में गड़बड़ थी, सी पार्ट इज रॉन्ग, यहाँ पर गाइडेड नहीं आएगा क्योंकि वी टू नहीं आती हमारे, वी वन या फिर वी वन एस आई एस आता है, ठीक है। अब यू है, यू के साथ एस आई एस नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गाइड आएगा, गाइड नहीं आएगा, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, इफ दे कम ऑन टाइम, अगर वो समय से आते हैं, देखो इफ है ना, ये मैंने बोला था ये रिवर्सिबल होता है, ये पहले भी आ सकता है इफ का, तो इफ के बाद आपने स्ट्रक्चर देखना है, इफ दे कम ऑन टाइम, हाँ, तो इफ के बाद वी वन है, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है। दे कुड टॉक टू द मैनेजर, अब इसमें आप खुद देख सकते हो कि क्या गलती है रूल के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस का इसका ए पार्ट मानू, ठीक है, इसको बी पार्ट मानू और इसको सी पार्ट मानू, तो इसमें गड़बड़ किस पार्ट में है, यहां तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें देखो, अगर इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम वी वन है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि दे है प्लूरल है तो एस तो आएगा नहीं, ठीक है, तो वी वन है तो
इफ के बाद अगर बी वन आ जाती है तो सब्जेक्ट के बाद हम विल शैल कैन में इनमें से लगाते हैं। यहाँ पे कुड था, ये तो सेकंड फॉर्म है, जबकि हमारी तो कैन आनी चाहिए थी। ठीक है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है ना, तो यहाँ पर कुड नहीं आएगा, हमारे सेंटेंस के बी पार्ट में गलती है, यहाँ पे हमारा कैन आएगा। यू कैन टॉक टू द मैनेजर। ठीक है, अगर वे टाइम पे आते हैं तो वे मैनेजर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल था कि अगर इफ के बाद, आई रिपीट, अगर इफ के बाद वी वन या वी वन एस या ईएस है तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल कैन मे, ठीक है, ये चीजें आती हैं प्लस वी वन। ओके, ये तो मोडाला मोडाल के बाद तो वी वन आएगा ही। ठीक है, तो ये एक रूल है, रूल नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे कुछ ध्यान से समझो, कॉपी बना लो, उसमें आप नोट करते चलो। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 7 पे। ओके फ्रेंड्स, ये है अच्छा रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या है, सब्जेक्ट प्लस गुड गुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे भी ये मोडाल्स हैं तो इनके बाद वी वन ही आएगा। ठीक है, प्लस इफ, अभी से मैंने ये दो पार्ट कर दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, और एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी कब कब लगाएंगे, अगर बीइंग वर्ब है, ठीक है, जैसे अगर मैं जादूगर होता, अगर मैं टीचर होती, ठीक है, तो इस टाइप की अगर है, जैसे अनफुलफिल्ड कंडीशन हो, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, तो हमेशा इफ के बाद वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता, ठीक है, तो जब भी बीइंग वर्ब होगी तो हम वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख भी देती हूँ वर्ब जो कब यूज होगा, बीइंग वर्ब पे। ठीक है, जब बीइंग वर्ब होगी, जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, ठीक है, और अगर ये डूइंग वर्ब है, जैसे बीइंग वर्ब नहीं है, अगर ये डूइंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गिव, देना, इन्फॉर्म, ठीक है, सूचित करना, तो अगर ये बीइंग वर्ब नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, वैसे आप देख सकते हो कि अगर गुड गुड है, ये आपको पता है सेकंड फॉर्म होती है विल और कैन की। ठीक है, अगर गुड गुड है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब जो है सेकंड फॉर्म होती है, इस एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, बीइंग वर्ब की, और जो बीइंग वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब होती है। ओके, और ये भी यहाँ पे वी टू है। ओके, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के हम बना सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी कुड रीच ऑन टाइम इफ यू गिव योर कार। ठीक है, अब इसमें आपको गलती छाटनी है, तो अगर मैं इसको सेंटेंस का ए पार्ट मानूं, इसको बी और इसको सी, ठीक है, इसके कौन से पार्ट में गड़बड़ है हम देखते हैं। शी कुड रीच ऑन टाइम, ये देखो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ, अब इफ के बाद जब यहाँ पे गुड गुड होता है तो इफ के बाद क्या आता है, वर आता है या फिर बीटू आता है। अब बीइंग वर्ब तो है नहीं, इसमें काश वाली चीज तो है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटू आएगा। ठीक है, डूइंग वर्ब यहाँ पे है ना, ये बी वन है, तो हमारे सेंटेंस के सी पार्ट में गलती है, यहाँ पर गिव की जगह क्या आएगा, गिव आएगा। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस, अगर तुम टाइम से पहुंचोगे, ठीक है, सॉरी, शी कुड रीच ऑन टाइम इफ यू गिव योर कार, अगर तुम अपनी कार दे देते तो वो टाइम पर पहुंच सकती थी। ठीक है, तो ये है इसका, तो हमने देखा कि कुड अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाला है, ठीक है, गुड गुड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये फर्स्ट फॉर्म थी तो गलत हो गई। ठीक है, और ये भी आप देखा करो कि ये जरूरी नहीं होता कि हम जो है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही गलती निकाल दें। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि क्या ये एक रूल के अंदर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है ये एक रूल के अंदर। ठीक है, और फिर हम बाद में देखेंगे इसको, ये एक रूल के अंदर था। ठीक है, फिर बाद में देखा, अरे इस पहले वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, कुड के हिसाब से यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, तो हम फर्स्ट पार्ट में ही गलती नहीं निकालते हैं, हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अभी जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर पहले आप ये थर्ड देखो, इसमें क्या है, ये मैंने रूल नंबर 6 के ऊपर बेस्ड किया है, जो ये मैंने आपको रिसेंटली करवाया था रूल नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या है, इफ यू गिव योर कार, अब आपने देखा इफ के बाद हमारा, इस सेंटेंस को देखें, इफ के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम रूल नंबर 6 में कर चुके हैं, विल शैल कैन में ये चीजें आती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम ये नहीं है कि हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखते ही, अभी तो हमारे सामने ये रूल है, पेपर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि हम सेंटेंस के आगे देखा रहे, यहाँ पे तो कुड था, ठीक है, यहाँ पे कुड था, तो इसको मैं चलो चेंज कर देता हूँ, ये गेव कर देता हूँ, क्योंकि इफ के बाद तो गेव आएगा, वी टू है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करना, मैं देखती कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है, फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट के सही है, तो बिल्कुल ठीक है, हमने ये भी तो रूल पढ़ा है रूल नंबर 6 में, अगर इफ के बाद हमारा वी वन आता है या वी वन एस या ई एस आती है तो हम बाद में चेंज करते हैं। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है हम हमेशा फर्स्ट पार्ट में गलती निकालें, फर्स्ट पार्ट में गलती नहीं निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सही है, अगर वो सही है तो फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इसको ए मानूं,
इसको बी मानो और इसको सी मानो और डी में नो एरर, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस के सी पार्ट में गलती आप देख सकते हो। रूल नंबर 6 में आप बैक करो वीडियो को, उसमें देखो कि अगर इफ के बाद वी वन है या वी वन एस या ई एस है तो बाद में क्या आता है, विल शैल कैन मेन में से कोई आता है। अब कुड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कैन होती है, ठीक है। तो हम इस कुड को काट के यहाँ पर कैन करेंगे, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस के सी पार्ट में गलती थी। अब ये सेकेंड जो है सेंटेंस देखो, इसमें इसमें ये है वाज शी योर टीचर, अगर वो आपकी टीचर होती, ठीक है। तो इसमें बींग वर है, ठीक है, तो यहाँ पे वर आना चाहिए था, ठीक है। चलो आपको पूरा पढ़ के बताते थे, वाज शी योर टीचर यू वुड लर्न द थिंग्स ग्रेजुअली, तो तुम आसानी से जो है चीजें समझ सकते थे, ठीक है, बिल्कुल आरामदारी से चीजों को सीख सकते थे। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, जब भी बींग वर्ब होती है, ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे गुड 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 वाला है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही गलती है कि इसमें बींग वर्ब है तो यहाँ पर क्या आएगा, हुई है तो नहीं ना वो टीचर, वाज शी योर टीचर। तो जब भी इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यहाँ पे सिंगुलर है, देखा जाए तो यहाँ पे वाज आना चाहिए था, बट ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, वर करेंगे, ठीक है, वर शी योर टीचर। और इसमें आप कहोगे कि इसमें इफ तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर ये है तो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इफ शी वर योर टीचर दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ को गाइड किया हुआ है, तो इसमें थोड़ी समझने की बात है, इसमें इफ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम रूल पे रूल से तो अलग नहीं जाएंगे ना। बींग वर्ब में मैंने आपको बता दिया कि वर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये आ जाए सेंटेंस इफ शी वर योर टीचर यू वुड लर्न द थिंग्स ग्रेजुअली, तो भी आपका सही है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटेंस के ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट में पूछूं कि गलती कौन सी पार्ट में है, तो हमारे ए पार्ट में ही गलती है, ओके। तो इसमें क्या है, हमें ए पार्ट में गलती नहीं निकालनी थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रूल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, अगर इफ के बाद वी वन एस या ई एस आता है तो बाद में कैन कैन शैल विल मे ऐसे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो बींग वर्ब थी और बींग वर्ब में हमेशा वर आता है, तो उसमें सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही गलती हो गई, ठीक है। तो वैसे रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं 6, 7, 8 रूल करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 7 आपका ये था, बहुत सिंपल सा है, इफ के बाद अगर बींग वर्ब है तो वर आएगा और वी टू आएगा, ठीक है, उससे पहले गुड गुड आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पर। तो फ्रेंड्स ये है आज का रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर 8 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री, कुड हैव प्लस वी थ्री, शुड हैव प्लस वी थ्री, माइट हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अगर इफ के बाद इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें आएंगी अगर इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री हो, ठीक है। तो मैं ज्यादातर याद कैसे करती हूँ इन चीजों को, कि इफ के बाद देखती हूँ हमेशा, ठीक है। बाकी सेंटेंस में जो है याद करने का तरीका मेरा हमेशा यही होता है कि इफ के बाद देखो क्या है, ठीक है, इफ के बाद अगर ये चीज है, ठीक है, तो आगे वो आएगा, ओके। तो इफ के बाद यहाँ पर क्या है, हैड प्लस वी थ्री, तो आगे हम लगा सकते हैं वुड हैव प्लस वी थ्री, कुड हैव प्लस वी थ्री, शुड हैव प्लस वी थ्री और माइट हैव प्लस वी थ्री। अगर आप ध्यान से देखो तो रूल नंबर 6 में विल शैल कैन में यही थे, अब उनके पास ये जो है पास्ट फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो वुड हैव प्लस वी थ्री, कुड हैव प्लस वी थ्री, शुड हैव प्लस वी थ्री, माइट हैव प्लस वी थ्री, विल की वुड होती है, कैन की कुड होती है, शैल की शुड होती है, मे की माइट होती है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल है, शी वुड हैव लॉस्ट द गेम इफ आई प्लेड वेल। अब ये देखो आप सबसे पहले कि माइंड में तो रूल है आपको कि अगर इफ के बाद हैड प्लस बी थ्री होता है, लेकिन पहले मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट डिसाइड करता है, ठीक है, कि आगे क्या आएगा, ओके। तो जब भी आप एरर्स देखो, आप ये देखो फर्स्ट पार्ट क्या ठीक है, उसके बाद अगर वो ठीक नहीं है तब उसमें आप गलती निकालो, वरना आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इसमें देखो वुड हैव प्लस वी थ्री है, तो जब वुड हैव प्लस वी थ्री होता है तो इसके बाद हैड प्लस वी थ्री होता है, ओके। तो इसमें आप देखो, शी वुड हैव लॉस्ट द गेम इफ आई प्लेड वेल, ओके। तो इसमें क्या है, वुड हैव प्लस वी थ्री है, ये लॉस्ट लॉस की जो है थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, वुड हैव प्लस वी थ्री, तो इसके बाद क्या आएगा, हैड प्लस वी थ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सेंटेंस का ए पार्ट मानूं, ठीक है, इसको बी और इसको सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारा हेड मिसिंग है, ओके, हेड प्लस वी थ्री आता है, हेड प्लस वी थ्री, ठीक है। हमारे इसके सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। जब भी हमारा गुड हैव प्लस वी थ्री होता है तो इसके बाद हेड प्लस वी थ्री होता है, ओके। ये प्ले की थर्ड फॉर्म है, तो हमारे सेंटेंस के सी पार्ट में जो है गड़बड़ थी, ओके।
बी पार्ट में नो एरर है तो वो तो होगा ही नहीं, सी पार्ट में गड़बड़ निकल चुकी है। अब सेकंड देखो, इफ आई हैड बीन टू अमेरिका, ठीक है, अब इसमें सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है, इफ आई हैड बीन टू अमेरिका आई वुड बाय सम बुक्स फॉर यू, ठीक है, अगर भी अमेरिका में मैं होता तो उसके लिए मैं बुक्स खरीद देता। ओके तो इसमें देखो, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीन है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वी थ्री है ये। ओके तो अगर इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री हो तो उससे पहले क्या आता है, मतलब कोई भी चीज आती है प्लस वी थ्री के साथ आती है, ठीक है। तो इफ आई हैड बीन टू अमेरिका, तो अगर इसको मैं सेंटेंस का ए पार्ट मान लूं, इसको बी और इसको सी और डी में नो एरर, ठीक है, तो इसमें सेंटेंस के आप देख सकते हो सी पार्ट में हमारी गड़बड़ है, ठीक है। तो कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे देखो हैव बी पार्ट में गड़बड़ करते हैं, बी पार्ट में नहीं, क्योंकि बाय तो इसमें है ना, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म में अभी चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वुड यहाँ पर देखो वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा, ओके, और बाय को काट के हमें बोट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट होती है। ओके तो इफ आई हैड बीन टू अमेरिका, अगर ये हैड प्लस वी थ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव प्लस वी थ्री, ओके, वुड हैव प्लस वी थ्री, अगर यहाँ पे कुड होता तो कुड हैव प्लस वी थ्री ऐसे हो जाता, ठीक है, तो वुड हैव प्लस वी थ्री, तो इसमें गलती थी हमारी सेंटेंस के सी पार्ट में। अब जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें ये जो सेंटेंस है काफी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को गलत होता है, ठीक है, जान बच्चों को यही देता है, इसमें सेंटेंस स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें हेड आ गया, और इसमें आप ये देखो है या हैज की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो हैडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये पढ़ोगे, इफ आई हैड टू हाउसेस, इसमें देखो वी थ्री तो नहीं है ना, ठीक है, इसमें वी थ्री नहीं है, अब इफ के बाद हैड प्लस वी थ्री, ये रूल तो ये कह रहा है, तो ये जो है ये इस वाले रूल पे बेस्ड नहीं है, ये हमारा बेस्ड है रूल नंबर 7 पे, ओके, उसमें क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओके। अब कई बच्चे क्या कर देंगे, इफ आई हैड टू हाउसेस आई वुड हैव गिवन वन टू यू, तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो हेड आ गया, और जब भी हेड आता है तो हम हैव प्लस वी थ्री के साथ अपनी वर्ब लगाते हैं, तो वुड हैव प्लस वी थ्री, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर नो एरर दिया होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस नो एरर पे टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसके बाद वी थ्री नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रूल नंबर 7 पे बेस्ड है। अगर इफ के बाद वी टू आती है, अभी हम रूल नंबर 7 पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, आई वुड वुड प्लस वी बनाते हैं इसमें, ठीक है, वुड वुड का यूज करते हैं, अभी मैंने आपको रूल नंबर 7 बताया है दो पार्ट्स में करके, ठीक है, अगर बीइंग वर्ब होगी तो वर आएगा और इफ के बाद, ठीक है, और अगर इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है होगी तो फिर वुड वुड आएगा, ठीक है, वुड वुड तो उसमें भी आएगा, ठीक है। अगर जो है अभी हम रूल नंबर 7 किया था उसमें हमने क्या किया था, अगर वी टू होता है डूइंग वर्ब, अभी मैंने आपको बताई है, इसके बाद अगर वी टू होता है तो यहाँ पे क्या आता है, वुड प्लस वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो अगर मैं इसको सेंटेंस का ए पार्ट मानूं, ठीक है, और इसको बी पार्ट और इसको सी पार्ट, तो वुड तक तो हमारा ठीक है, ठीक है, वुड प्लस बी बनाएगा लेकिन, ठीक है, तो हमारा ये गलत है, ठीक है, वुड गिव आएगा इसमें, क्योंकि गिव क्या होती है, गिव होती है, ठीक है। तो इफ आई हैड टू हाउसेस आई वुड गिव वन टू यू, ठीक है, तो इसमें सेंटेंस के सी पार्ट में हमारी गड़बड़ थी, ठीक है, इसमें हमारा आंसर वगैरह नहीं आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान से समझिए कि इसमें जो है हैड प्लस वी थ्री वाला नहीं है, कि आप वुड हैव प्लस वी थ्री को सही मान लो, नहीं, ये हमारा रूल नंबर 7 पे बेस्ड है, ये वी टू है, ठीक है, तो हमारा वी टू के बाद डूइंग वर्ब होती है, ठीक है, वी टू इफ के बाद अगर डूइंग वर्ब होती है, ठीक है, वी टू होता है तो हमारा आता है वुड या कुड प्लस बी वन, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखो, तो आई वुड गिव वन टू यू, ओके। अभी जो मैंने आपको करवाई है 6, 7 और 8 ये वाले जो रूल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैं आपको एक समरी दे देती हूँ 6, 7 और 8 रूल्स की, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उनको आप साथ साथ समझिए ध्यान से, और फिर आपके पास कोई बुक्स हो तो उसमें से आप कंडीशन सेंटेंस करिए, आपको कोई भी जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये देखो कि क्या सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वो गलती है, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो आप आगे पीछे जाके गलती निकालो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समरी देती हूँ इसकी, तो फ्रेंड्स ये है समरी, ठीक है, जो मैंने आपको रूल नंबर 6, 7, 8 करवाई है, मैंने पूरे एक समरी में लिख दिए हैं, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही जो है उतार सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी कंडीशन सेंटेंस में एरर आते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर 6, 7 और 8 से आते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इनकी समरी बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद विल शैल कैन में हो, ठीक है, तो इसके बाद वी वन आएगी, ठीक है, या फिर वी वन ऐसे आई एस आएगी, ओके, या फिर आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर इफ के बाद वी वन या वी वन ऐसे आई एस है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, विल शैल कैन में, ठीक है। और नंबर सेवन में देखो, अगर सब्जेक्ट के बाद वुड और कुड है, ठीक है, तो या तो बीइंग वर्ब होगी तो वर आएगा, ठीक है, वरना फिर डूइंग वर्ब आएगी, बी टू आएगी, ठीक है। इफ के बाद क्या आएगा, यहाँ पर इफ है, इफ के बाद क्या आएगा, वर या फिर बी टू। अगर वुड गुड है तो या तो वर आएगा इफ के बाद या फिर बी टू आएगा, ठीक है। अगर विल शैल कैन में है, मतलब अगर ये फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई यहाँ पे विल शैल कैन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, यहाँ पे भी वी वन प्लस एस या ईएस, ठीक है, ये चीज आएगी। और अगर सब्जेक्ट के बाद वुड है प्लस वी थ्री, शुड है प्लस वी थ्री, कुड है प्लस वी थ्री, माइट है प्लस वी थ्री, मस्ट है प्लस वी थ्री, कुछ भी हो है प्लस वी थ्री के साथ, ठीक है, तो आपका हमेशा इफ के बाद क्या आएगा, हैड प्लस वी थ्री, ओके। बस ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अगर विल शैल कैन में है तो बी वन या बी वन ऐसे ही आएगा इफ के बाद, अगर गुड गुड है तो इसके बाद वर या बी टू आएगा, और अगर गुड है प्लस वी थ्री ये इन चीजों में से है, ठीक है प्लस वी थ्री के साथ है, तो यहाँ पे भी हम वी थ्री वाला ही फॉर्मेट लेंगे, हैड प्लस वी थ्री, ठीक है। अब लेकिन जो मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल समझाया है कि अगर इफ आई हैड टू हाउसेज, तो उसमें हैड प्लस वी थ्री तो नहीं है ना, उसमें तो खाली बी टू है, जो है सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वी टू था तो उसमें वुड गुड लगाई है, ओके। तो अब जो है मैं आपको रूल नंबर नाइन बताऊंगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फ्रेंड्स ये है आज का रूल नंबर नाइन, ठीक है, ये आज का लास्ट रूल है। मैंने कंडीशनल सेंटेंस में जितने भी रूल्स से आपको कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, इन दो वीडियोस के माध्यम से, तो रूल नंबर नाइन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट फोर, अगर मतलब सेंटेंस ये कहीं भी आ सकता है, बट फोर, ठीक है, तो बट फोर प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन, अब नीचे मैं जरा एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बट फोर ये आगे भी आ सकता है सेंटेंस में, कहीं भी आ सकता है, ठीक है, बट फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, ओके। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी बट फोर आपको दिख जाए कहीं भी, तो उस सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, ये रूल नंबर नाइन बोल रहा है, ओके। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है इसमें, बट फॉर हिज हेल्थ द पेशेंट गुड डाइट। तो अगर इसको मैं सेंटेंस का ए पार्ट मानू, इसको बी और इसको सी, ठीक है, तो इसमें अगर सेंटेंस में एरर ढूंढनी है, ओके, तो आप किसमें ढूंढोगे, आप ये देखो इसमें बट फोर आ गया, इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ चुका है ये, ठीक है, तो बट फोर, तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, वुड हैव प्लस वी थ्री, ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके सेंटेंस के सी पार्ट में गलती है, इसमें वुड डाइट लिखा हुआ है, वुड प्लस जो है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखी हुई है इसमें, तो यहाँ पे आएगा हैव प्लस वी थ्री, तो वुड के बाद हम हैव जोड़ देंगे, तो सेंटेंस के सी पार्ट में गलती है, बट फॉर हिज हेल्प, अभी मैंने आपको बताया था, बट फॉर आ गया, और नाउन और प्रोनाउन इसमें क्या है, ये प्रोनाउन है हिज, ठीक है, तो उसके हेल्प के बिना, ठीक है, बट फॉर का मतलब क्या होता है, विदाउट के बिना, इसका मतलब ही होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मीन्स विदाउट, उसकी हेल्प के बिना, ठीक है, तो बट फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के बिना द पेशेंट वुड हैव डाइड, जो पेशेंट है वो मर चुका होता, तो उसने हेल्प कर दी उसकी, ठीक है, तो बट फॉर जहां भी आएगा उसमें आएगा वुड हैव प्लस वी थ्री। उसके बाद सेकंड देखो, मेनी पीपल वुड लॉस देयर सेविंग्स बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। अब इसमें आप देखो, इसमें जो बट फॉर है वो स्टार्टिंग में नहीं है, सेंटेंस के मिड पार्ट में, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बट फॉर जब आपने देख लिया और ये प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो बट फॉर जब भी आएगा तो आपको पता है कि सेंटेंस में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटेंस का ए पार्ट मानूं, इसको बी और इसको सी, तो सेंटेंस के ए पार्ट में ही गलती है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने आगे देख लिया कि बट फोर है, तो यहाँ पे तो गुड हैव प्लस थ्री आएगा, ओके, तो यहाँ पे गुड, यहाँ पे हैव करो और लॉस की जगह क्या आएगा, लॉस्ट, ठीक है, तो मैनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ओके, तो ये चीज थी गुड हैव प्लस वी थ्री। तो ये आपके जो है रूल, टोटल मैंने नाइन रूल्स आपको कवर कर दिए हैं, ठीक है, ये भी रूल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान है, जो अभी आपको बट फोर दिखे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में, सब्जेक्ट के बाद उठा के वुड हैव प्लस वी थ्री करना है, ठीक है, और बट फोर का मतलब क्या होता है, के बिना, मतलब विदाउट, ठीक है, तो ये है, ये नाउन या प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप अपने जो है कोई भी बुक ले सकते हैं और उसे कंडीशनल सेंटेंसेस को करो, ठीक है। इसके बाद जो है मैं मैपो क्लासेस में आपको हिंदी का टॉपिक हम कर रहे थे, उसमें
शब्दों का वर्गीकरण व्याकरणिक आधार पर, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर वीडियो, मिलते हैं आपसे अपने हिंदी के वीडियो में।